गाइस ये है महादेव टी टपकेश्वर शिव मंदिर और देहरादून का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और आज हम चलते हैं यहीं पर ही आप लोगों को यहीं की वीडियो दिखाएंगे। गाइस ये यहां का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहां पर मेला भी भरता है, काफ़ी लोग यहां पर आते हैं। सो गाइस आप लोगों को बता दें कि बड़ी दूर दूर से यहां पर भक्त लोग आते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है इस मंदिर का, देख सकते हैं गाइस आप लोग कितनी अच्छी और खूबसूरती कलाकृति है यहाँ पर और बड़ा ही प्यारा मंदिर है ये। गाइस अब हम करते हैं प्रवेश महादेव शिव मंदिर, इसको टपकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। सो गाइस आपको बता दें कि जब बरसात का टाइम होता है तो यहाँ पर पानी टपकता रहता है, आजकल नहीं टपक रहा क्योंकि बरसातें भी नहीं हो रही है और अभी सूखे पड़ा है। सो गाइज हम आ चुके हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का इसका नज़ारा कैसा है, टपकेश्वर मंदिर अंदर से कैसे है। सो गाइज आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर पहले बरसात के टाइम में पानी टपकता रहता था, अभी बरसातें बंद हैं इसलिए पानी नहीं टपकता है। सो गाइज ये है वो शिवलिंग जिस पर पानी टपकता रहता है और इसी के नाम से प्रसिद्ध है ये टपकेश्वर मंदिर, आप देख सकते हो गाइज। अंदर से काफ़ी बड़ा है ये और ये एक पहाड़ी के नीचे है, सुरंग में बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है ये और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, आप देख सकते हो नीचे से कितना बड़ा है ये और ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी है उसके नीचे बसा हुआ है। सो गाइस आप देख सकते हो शिव भोलेनाथ और पार्वती जी है। ये भगवान श्री दत्त्य जी है, आप देख सकते हो गाइस भगवान लक्ष्मी नारायण जी। सो गाइस ये है गणेश जी की मूर्ति और इस पर सिक्के चिपकाए जाते हैं, आप देख सकते हो। कहते हैं कि जो इस पर सिक्के चिपकाता है वह पवित्र और शांत मन से, जो सच्चे मन से यहाँ पर आता है उसका सिक्का इस पर चिपका रह जाता है, बाकी गिर जाता है, आप देख सकते हैं गाइस। गाइस यह है द्रोणपुर अस्थमा की प्रतिमा और जन्मस्थली उनकी, हजार साल पहले अस्थमा का जन्म इसी गुफा में हुआ था और द्रोणपुर अस्थमा को इसी गुफा में दूध की प्राप्ति हुई थी एवं उसके 6 महापश्चाताप अजर अमरता का वरदान भी इसी गुफा में शंकर भगवान जिनसे प्राप्त हुआ था, आप देख सकते हो गाइस ये सो गाइज आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पे पहाड़ उठा रखा है, देख सकते हैं गाइज आप लोग कितनी अच्छी और अद्भुत प्रतिमा बना रखी है यहाँ पर।
कृष्ण भगवान जी ने पूरी जब पहाड़ को उठा लिया था तो उसी के उसमें बना रखी है, आप देख सकते हैं प्रतिमा। गाइस आप देख सकते हैं हनुमान जी की कितनी बड़ी प्रतिमा बना रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये सामने वैष्णो देवी माता का मंदिर है, ये भैरव जी की प्रतिमा। और यहाँ पर तेल नहीं चढ़ाया जाता, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर केवल हवन होता है, आप देख सकते हो गाइस। और ये भैरव जी की प्रतिमा है। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा है टपकेश्वर शिव मंदिर का। नीचे नदी बह रही है, आप देख सकते हो। ये जो सामने सीढ़ियाँ है टपकेश्वर मंदिर में प्रवेश करने वाली सीढ़ियाँ है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आते हुए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। सो गाइज आप देख सकते हैं जो ये नदी है अभी बहुत ही कम पानी है इसके अंदर, और जब इस नदी में पानी आता है तो आप सामने के पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर पूरा डूब जाता है और ये सीढ़ियाँ भी पूरी डूबी रहती है। और ये उस वक्त पूरे उफान में रहती है, बरसातें भी बंद है तो बरसात की वजह से ये पानी इसमें भी है नहीं, और जब बरसात शुरू हो जाएगी तब इसमें काफ़ी पानी आ जाता है। यहाँ पर चेतावनी भी दी जाती है कि नदी के पास ना जाए, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही उफान में आ जाती है। आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल कुछ भी पानी नहीं है, इसमें सूखी पड़ी है, थोड़ा बहुत पानी आ रहा है इसमें। और सामने जो पत्थर है बहुत काफ़ी बड़ा पत्थर है और ये पूरा पानी में डूबा रहता है, देख सकते हो गाइस कितना बड़ा पत्थर है ये। सो गाइस आप लोग को बता देते कि है ये बहुत ही पवित्र जगह है, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, कभी आप लोग घूमने आओ तो इस टपकेश्वर मंदिर में ज़रूर आना, बहुत ही अच्छी और पवित्र जगह है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो ये सब लोग अभी आ रहे हैं, तो आप आइए। और बहुत ही अच्छी और शांत जगह है ये। ऐसा आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है, बहुत बड़ी पार्किंग है, आप देख सकते हो। जैसे कि होता है कहीं मंदिर में पार्किंग की सुविधा नहीं होती, और आप फोर व्हीलर गाड़ी में आ रहे हो तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा दी गई है। गाइस यहाँ पर प्रसाद के लिए स्टॉल भी लगते हैं, आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर काफ़ी स्टॉल है यहाँ पर, आपको साथ में प्रसाद लाने की ज़रूरत नहीं, आप प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हो, देख सकते हो गाइस आप लोग। और काफ़ी मात्रा में भारी मात्रा में यहाँ पर मेला भी लगता है शिवरात्रि वाले दिन, जो आप लोगों को सामने सड़क दिखाई दे रही है बड़ी चकाचक भरी रहती है जब यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर में मेला लगता है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती यहाँ पर, देख सकते हो गाइस आप लोग। बहुत ही और प्रसिद्ध मंदिर है ये देहरादून का यहाँ पर। सो गाइस आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो में कमेंट करके हमें बताना आप लोगों को टपकेश्वर मंदिर कैसा लगा।